आज अपन देखते हैं इसमें रणथंभौर के चौहान। ओके तो पहले तो है ना जो इसमें अपने लोकेशन आ रही है दैट इज रणथंभौर, इस पे गोला लगाओ। ठीक, अब अभी तक जैसे जो अपन ने देखा मतलब राजस्थान स्थिति के संदर्भ में जो टॉपिक थे उसमें आया सबसे पहले अजमेर है ना, मतलब चौहानों के संदर्भ में मेड़ता भी अपन जैसे देख चुके हैं। अब अपन लोकेशन की दृष्टि से देखते हैं जो वर्ड आ रहा अपने सामने दैट इज रणथंभौर है ना। अब इसके बाद जैसे जो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे वो आएगा नाडोल, फिर उसी के साथ समकालीन अपन पढ़ेंगे जालोर, ठीक है, फिर आएगा सिरोही और जालोर सिरोही रणथंभौर और नाडोल है ना। अब देखो क्या है, ये अपना मैप है ना, अभी तक अपन ने जो देखा वो था अजमेर, अभी जो अभी आज के पास जो आज की तारीख में अपने पास जो मैप है ना उसी के संदर्भ में अपन देख लेते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनको अपन बड़ा मान लेंगे। जैसे ये राजमेर, ठीक है, 1113 अपन जैसे देख ही चुके हैं ये, ठीक। फिर जैसे दिल्ली अपन जैसे देखें तो यहाँ इस जगह ये दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली है, इधर अपन ने देखा 1157 पृथ्वीराज चौहान के अंडर में आ गई, फिर तराइन के युद्ध जैसे अपन ने देखे। करनाल जैसे अपन देखें, करनाल ये करनाल है, यहाँ पे हरियाणा में देखा ये अपन नहीं है, यहाँ वो पानीपत के दोनों युद्ध हो गए 91-92 हो गया इतना। अब जैसे ये जो क्षेत्र है ना अपन जैसे देखते गुजर प्रत्यारोह का, मतलब गुजर प्रत्यारोह का जो पहले क्षेत्र था उसमें एक छोटा निकला अजमेर, तो आज तो अजमेर अपन इतना छोटा देख रहे हैं लेकिन भूतकाल में ये इतना छोटा नहीं था। अपन जैसे ऑलमोस्ट जैसे अजमेर की बाउंड्री मान के चले ना तो उस समय ये तथाकथित इतनी अजमेर की ये बाउंड्री थी, ये बाउंड्री थी अजमेर की, ठीक है ना। नीचे नो डाउट उसमें मेवाड़ भी जैसे सुषुप्त अवस्था में था, लेकिन ये अपन देखते हैं। अब जैसे अपन ने देखा मैंने जो ये डॉट घुमाए, अब उसमें अपन रणथंभौर देखें तो सवाई माधोपुर ये रणथंभौर आ गया है कि नहीं, एक ये देखते हैं। फिर दूसरा अपन जैसे देखेंगे नाडोल, ये नाडोल ये आ गया दो नंबर। फिर अपन आएंगे जालोर, ये आ गया तीन जालोर, ठीक है, और फिर जालोर के पास में ये हो गया सिरोही चार। कैसे देखना अपन को, एक दो तीन और चार, समझ आ गया है ना। तो ये क्षेत्रीय शक्तियां है जिनको अपन इंडिविजुअल इंडिविजुअल पढ़ेंगे। तो अब आप थोड़ा सा जैसे देखो कि दूर दूर के जो क्षेत्र है ना वो आजाद पहले होते हैं, अपने ये बाउंड्री पे हैं सारे, जैसे जालोर बाउंड्री पे, अजमेर की चौहान सिरोही भी बाउंड्री पे, रणथंभौर भी ऐसे, और ऊपर करनाल अलग हो गया, दिल्ली अलग हो जाए कुतुब मीनार पर। तो और मेन जो कोर क्षेत्र है अजमेर, वो तो नो डाउट चौहानों के जो परवर्ती अपन शासक देखते हैं, जैसे एक तो शाही मुगल है औरंगजेब तक, फिर जो परवर्ती मुगल है बहादुर शाह से बहादुर शाह, ठीक है, मतलब पहला लंपटमुर्ग और लास्ट जफर, तो उनको अपन परवर्ती मुगल शासक बोलते हैं। तो ऐसे जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बाद जो चौहान रूलर्स आए वो अजमेर से एजिटिव रूल करते गए, लेकिन हिस्ट्री में उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन, मतलब जो अपन गोल्डन एज देखते हैं ना अजमेर की, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ ही खत्म मानी जाती है। जैसे मुगलों का अपन शाही मुगल जैसे देखते हैं तो पृथ्वीराज सॉरी औरंगजेब के साथ ही वो शाही मुगल खत्म हुआ। जैसे अपन आमेर रियासत देखें तो सुलेमान सिंह सेकंड के बाद भाई लोकतंत्र का उदय हो गया, और अंतिम जो शाही राजघराने शासक हैं रावर राजा के रूप में दैट वाज मानसिंह से गायत्री देवी, उसके बाद जैसे राजा तो आज भी है वहां पे है नहीं, लेकिन उनका अब कोई योगदान ऐसे ही है, ठीक है। तो अपन ये रीजनल अपन पढ़ेंगे रणथंभौर नाडोल है ना, नाडोल पाली में जैसे है देसुरीनाल, फिर जालोर आई गया और ये चौहानों से ही निकले हुए हैं, चौहानों के साथ ही इनका उदय हुआ, लेकिन फिर बाद में अपनी अपनी शाखा इन्होंने समय समय पर बना। अगर थोड़ा सा अपन और बैक में जाएं तो ये जो चौहान जैसे अपन ने देखा, तो जैसे मैं ये रेड कलर में बना देता हूं, तो ये जो बाउंड्री है ये और गुजरात में भी थी, तो ये सारा ये बाउंड्री कन्नौज अपन ने जैसे देखा ही, तो ये सारी बाउंड्री थी किसकी थी, ये क्या पढ़ा था अपन ने गुजर प्रतिहार है कि नहीं। तो गुजर प्रत्यारों से फिर ये माइक्रो ग्रुप में नीचे नीचे अलग होते गए, गुजर प्रत्यारों से चौहान अलग हो गए, फिर चौहानों से ये एक दो तीन चार अपन देखे अलग, ऐसे ये जो हिस्ट्री में फ्लो है ना ये अपने को समझना है,
आपने वो ये फ्लो समझ में आएगा, मैप पे जब समझ में आएगा तब आपको ये अक्षर समझ में आएंगे कि हिस्ट्री में कैसे फ्लो। अदरवाइज अपन नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ोगे और फट भूल जाओगे, लिंक नहीं होगा। इंडियन हिस्ट्री में जब अपन इसको मैच करना चाहेंगे तो वो मैच नहीं होगा। तो पहले दिन अपन ने देखा ना, आइसोलेशन में नहीं देखना है, कभी अलग करके नहीं देखना है इंडियन हिस्ट्री से राजस्थान हिस्ट्री को, हमेशा उसी के पार्ट के रूप में। ओके, यूं अब जैसे अपन क्या करेंगे, जैसे ये कल अपन इसको ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे, मतलब ये जो चारों अपन जैसे देख रहे हैं ना, फिर ये जो इंडियन हिस्ट्री में जाए सेगमेंट फिट होता है ना, कहने का मतलब हर्ष की मृत्यु के बाद देखा था अपने 647 ईस्वी, तो उससे लेके कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत है वो जो हिस्सा इंडियन हिस्ट्री में जैसे जो है उसको अपन इसके साथ ही देख लेंगे, समझ लो। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इंडियन हिस्ट्री में कैसे फिट होएगा, नहीं तो जब अपन इंडियन हिस्ट्री में कभी इसको पढ़ेंगे ना तो तब तक ये इधर की यादाश्त गुम हो चुकी होगी कि अपन ने कैसे पढ़ा था। तो अभी उसको साथ पढ़ लेंगे तो अपने को इंडियन हिस्ट्री वाला सेगमेंट भी हो जाएगा, फिर जब अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे भारतीय इतिहास तो गुप्त के साथ खत्म हो जाएगी और अपन सीधा गुप्तों के बाद दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। ये बीच का जो छोटे मोटे प्रांतीय जो हिस्ट्री है ना प्रांतीय राज्यों की, उसको अपन इसी के साथ खत्म कर, तो 2-in-1 काम हो जाएगा, नहीं तो बाद में पढ़ेंगे तो रिपीटेशन होएगा, वापस अपन को ये देखना पड़ेगा। तो अभी दोनों के साथ देख लेंगे, दोनों क्वेश्चन साथ देख लेंगे, इसको पूर्व मध्यकाल बोलते ही है, जैसे अपन ने देख लिया था राजपूत युग 7वीं से 12वीं शताब्दी, तो यही अपन इंडियन हिस्ट्री में पढ़ लेंगे, तो 2-in-1 दो काम हो जाएंगे अपने, दोनों के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। क्योंकि पूर्व मध्यकाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट शासन हुआ है इंडियन हिस्ट्री में, वो एक तो हुआ गुजर प्रतिहारों का, एक पाल जैसे अपन देखते हैं बंगाल में धर्मपाल जैसे जो आया, फिर सेन आएंगे वहां पे, वो लक्ष्मण सेन है उसके अंदर गीत गोविंद जयदेव, ठीक। और फिर राजस्थान में अपन जैसे देखते हैं ये चौहानों का, और चौहानों के बाद इंपॉर्टेंट है कश्मीर में जैसे शासक आएंगे कारकोट उत्पल लाहौर वंश, जैसे सिद्धराज भी आएंगे उसके अंदर, मतलब जैसे आएंगे उसके अंदर श्रीहर्ष कल्याण आएगा, तो उसको साथ ही देख लेंगे, तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाएगी अपनी चीज, फिर आप लिंक करना सीख जाओगे। तो अभी रीजनल लेवल पे ये देखना, गुजर प्रतिहार देन थोड़ा शॉर्ट हुआ तुलनात्मक रूप से छोटा चौहान, देखो चौहानों का राज्य गुजर प्रतिहार से तो कम ही है ना कंपेरेटिवली, गुजर प्रतिहार तो गुजरात बोलते तो गुजरात भी इनके अंडर में था, जबकि चौहानों में देखो नहीं है, तो जूम होता जा रहा है, पहले इतना बड़ा फिर और छोटा और फिर और छोटा, अब आप देखो रणथंभौर कितना सा, नाडोल जालोर सिरोही छोटे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये किस कारण से हो रहे हैं, कौन सा ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, किसका नतीजा किसका ये सामंतवाद का, यू लोकलिज्म। मतलब देखो दक्षिण भारत में जैसे गुजर प्रतिहार है तो गुजर प्रतिहारों के समकालीन जैसे अपन देखा तो राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूटों के बाद जैसे अब निकल जाएंगे तो अब धीरे धीरे वहां उदय हो रहा है अपन जैसे जिसको बोलते हैं जैसे बहमनी के जो सल्तनत थी दिल्ली सल्तनत, जैसे उत्तर भारत में आ जाएगा और दक्षिण भारत में बहमनी और विजयनगर का उद्गम, और दिल्ली सल्तनत के जो समकालीन है दक्षिण भारत में वो बहमनी और विजयनगर साम्राज्य, फिर बहमनी 5 में टूट जाएगा, दोनों लड़ेंगे, बहमनी के साम्राज्य का विघटन हो जाएगा और 5 राज्य मतलब अहमदनगर बरार बीजापुर गोलकुंडा बीदर वो उसके ऊपर हो जाएगा। चोल 22वीं शताब्दी में वो तो दक्षिण मतलब कृष्णा नदी के नीचे, वो तो जिसको अपन दक्षिण भारत बोलते हैं उसमें बहमनी है, और बहमनी से थोड़ा सा पहले जैसे जो है मतलब 10वीं 11वीं 12वीं वो कृष्णा नदी सुदूर दक्षिण में अंदर चोल है, तो जिसमें अपन राजेंद्र चोल पढ़ते हैं, वृद्धेश्वर मंदिर, वो सब पूर्व मध्यकाल में आता है। मामलपुरम वगैरह जैसे जो अपन नरसिंह वर्मन वगैरह देखे वो तो कंप्यूटर थोड़ा सा पहले ओवर है, वो तो पल्लव है दक्षिण भारत के अंदर आ जाएगा, उसको अपन इंडियन हिस्ट्री में जैसे देखेंगे कंप्यूटरली 3 ही मैप बनेंगे और तीनों के साथ वो फ्लो में चीज आ जाएगी, कोई ऐसा इशू नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। अभी तो जहां चल रहा है ना भाई उसमें फोकस रहो, उसको फिट कर लो आप, ठीक है। तो तीनों अपन जैसे ये मैप देख लिया है ना, ये अभी क्लियर हो गया अपन, आप सबसे पहले अपन जैसे देख रहे हैं ये रणथंभौर, उसके बाद देखेंगे अपन नाडोल, फिर जालोर और फिर सिरोही, तो ये कौन सी चीज कहाँ है कैसे है ये अपन को फिट रखनी। ओके आओ आओ अपन देखते हैं रणथंभौर के चौहान। तो अपन ने क्या देखा जैसे बैकग्राउंड के अंदर थोड़ा, कि 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हो चुका था, कि विजय के बाद गोरी ने अजमेर को वापस पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र कौन गोविंदराज को दे दिया। गोरी ने गोरी के गजनी जाति पृथ्वीराज के भाई है ना, भाई पे गोला लगाओ, कल भी अपन जैसे लिखा था कि हरिराज का जो संबंध है पृथ्वीराज चौहान से वो भाई का है, और गोविंदराज का जो संबंध है पृथ्वीराज चौहान से वो पुत्र का बेटे का, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ट्विस्ट हो जाता है,
जब कथन आते हैं ना तो यूं लिखा था पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज, तो गलत हो गई, सॉरी के भाई गोविंद राज, तो भाई आते शब्द क्या आना चाहिए अपने को, ये सब और किसी शासक को इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन पृथ्वीराज चौहान में सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि तो भाई का भी योगदान है पृथ्वीराज चौहान में की हिस्ट्री के अंदर, पृथ्वीराज चौहान की हिस्ट्री में भाई का भी योगदान है और पुत्र का भी योगदान है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पुत्र गोविंद राज, ठीक है। और गौरी के गजनी जाते ही, गजनी अपन ने प्राण देख लिया था जब पृथ्वीराज चौहान को लेके गए थे, पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज ने गोविंद राज को अजमेर से खदेड़ दिया क्योंकि सीनियर तो भाई देखो हरिराज ही पढ़ता था, गोविंद राज तो राजकुमार था। फिर क्या है, गोविंद राज ने कुतुबुद्दीन ऐबक, इसे हाईलाइट कर लो, कुतुबुद्दीन ऐबक से मदद मांगी, है ना, ये मदद वाला देखो कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे ये जो चीज है ना ये सांगा की वाइफ दोहराएगी, है कि नहीं, कर्णावती, वो हुमायूं से मदद मांगेगी जिसको फिर अपन रक्षाबंधन के रूप में जैसे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन भी जैसे आता है कि राजपुताना के जैसे जो दिल्ली में सल्तनत थी उसके साथ जो संबंध समय समय पर रहे हैं उस पर टिप्पणी करो, तो यहां से ये शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो गोविंद राज ने कुतुबुद्दीन ऐबक से मदद मांगी, अब कुतुबुद्दीन ऐबक से मदद क्यों मांगी, क्योंकि गोविंद राज को जिसने गद्दी पर बैठाया था वो कौन था, वो गौरी ही था, तो गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, तो भाई सीधी सी बात थी गोविंद राज को एक सिंपैथी थी कि जिसने अपन को गद्दी दी है अजमेर में तो उसी का जो सेनापति दिल्ली में है वो भी अपनी मदद करेगा, क्योंकि तो दोनों ही गौरी से कंट्रोल हो रहे हैं, गोविंद राज भी और कुतुबुद्दीन ऐबक भी। ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक से मदद मांगी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हरिराज का दमन किया जिससे दुखी होकर हरिराज ने आत्महत्या कर ली, कुतुबुद्दीन ने अजमेर में अपना सूबेदार नियुक्त कर पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को कहां की जागीर दी, रणथंभौर की जागीर। और फिर बाद में जब यो लगेगा कि अजमेर में जैसे एक मैन में दो तलवार नहीं रह सकती तो गोविंद राज अपने आप को रणथंभौर का अलग शासक घोषित, ठीक है। तो रणथंभौर की जागीर अब किसने किसको दी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दी, किसको दी, गोविंद राज को दी, गोविंद राज व्यक्ति कौन है, पृथ्वीराज चौहान का पुत्र। गोविंद राज को रणथंभौर के चौहान वंश का क्या मानते हैं अपन, संस्थापक मानते, ठीक है। अब जैसे अपन यूं देखें भाई रणथंभौर अब सीन में कब आया, रणथंभौर सीन में आया तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, तराइन के द्वितीय युद्ध के डेट है 1192। अब जैसे मान लो वो था ना कि इन नगरों को स्थापना के क्रम में जमाओ, तो अजमेर तो अपन देख रहे हैं 1113 और करीबन 60 साल मतलब 80 साल ही मान लो, 80-90 साल के बाद उद्गम होगा किसका, रणथंभौर का, मतलब लाइमलाइट में जब आया कि हाँ इंडिपेंडेंट शासन अब यहां होगा यूं, ठीक है। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। इस प्रकार 13वीं शताब्दी है ना, इसको 12वीं कर लो, 13वीं नहीं है, इस प्रकार 12वीं आ रहा है ना, 1100+94 12वीं 19वीं साल का 94वां साल है, 1194 में रणथंभौर में चौहानों का शासन स्थापित हुआ, किया किसने, गोविंद राज ने उनके अंडर में, ठीक है। रणथंभौर का प्राचीन नाम रणतरपुर रणघाटी में स्थित नगर था, रणतरपुर अपन देखें जैसे पहाड़ियां जिसपे घाटी है उसका नाम है रणथंभौर, रणतरपुर। फिर रण उस पहाड़ी का नाम है जो इस दर्ग से इस दुर्ग से कुछ नीचे स्थित है, तो रण तो क्या है पहाड़ी, ठीक है। तथा थम उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग स्थित है, मतलब कुछ नीचे आ रहा है देखो, कुछ नीचे मतलब जैसे पहाड़ी पर पहाड़ी, जैसे अपन यूं देखे देखो जैसे ये एक पहाड़ी, ये तो होगी रण और फिर ये एक छोटी पहाड़ी, ठीक है, उस पहाड़ी के ये हो गया थम, नीचे वाली तो हो गई रण कुछ नीचे, और ये जैसे ये दुर्ग हो गया, ठीक है। तो दुर्ग जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ी को अपन क्या बोलते हैं, थम, तो रण थम बो, भाई कुछ नीचे आ रहा है ना, तो रण तो उस पहाड़ी का नाम है जो इस दुर्ग से कुछ नीचे स्थित है, रण हो गई। फिर थम उस पहाड़ी का नाम है जिस पर यह दुर्ग स्थित है, तो पहाड़ी पे छोटी पहाड़ी अपन देख सकते हैं कि नहीं, ये तो रण थम बोर, बोर दुर्ग, इसी वजह से इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया, रण थम बोर। ओके, गोविंद राज। फिर आगे अपन देखते हैं वलहन, वालन या वल्लन देव, गोविंद राज के बाद उसका पुत्र वल्लन देव रणथंभौर का शासक बना। 1226 में सुल्तान इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण कर रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। वल्लन देव युद्ध से बचकर जंगल में भाग गया। इसके बाद क्रम से पहलाद व वीर नायक रणथंभौर के शासक बने, है ना। लेकिन कोई महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन देखो ध्यान यू रखना है कि रणथंभौर गोविंद राज को दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। फिर वल्लन के समय या यूं पूछ रहे हैं इल्तुतमिश के समय रणथंभौर का शासक कौन, तो वल्लन। ये क्वेश्चन है उस क्वेश्चन बैंक में, कैसे अपन को जान लेना।
कुतुबुद्दीन ऐबक के समय गोविंद राज और कुतुबुद्दीन ऐबक का जैसे जो उत्तराधिकारी का दिल्ली सुल्तान डेटा इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के समय वल और इल्तुतमिश में ऊपर लिख लो पहला सुल्तान, ये दिल्ली सुल्तान का पहला सुल्तान है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक का उपाधि नहीं थी सुल्तान, टाइटल उसने नहीं ली थी सुल्तान, तो पहला सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत का वो इल्तुतमिश। वो दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे जब अनोर आएगा, गुलाम वंश का या दिल्ली वंश का संस्थापक जो है वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है वो देखा था अपन ने। तो ऐसे ये यात्रा का फ्लो है गोविंद राज और वल्लन का, ठीक। और रणथंभौर राज्य की स्थापना हुई उस समय दिल्ली का मतलब शासन किसका था दिल्ली के ऊपर, कुतुबुद्दीन ऐबक का था। लास्ट क्लास में क्या जैसे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय शिल्पम का समय बोल गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अपने को समझ कि रणथंभौर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किस शासक ने करी दिल्ली सल्तनत के, कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं बागभट, गुरु नारायण के बाद उसका पुत्र बागभट रणथंभौर का शासक बना। अब इसमें देखो क्या ये सारी क्रोनोलॉजी याद नहीं रखनी अपने को, क्या गोविंद राज और वल्लन तक याद रखनी है, फिर जो बाद में रहा प्रहलाद और वीर नारायण कोई खास नहीं, फिर वीर नारायण का पुत्र बागभट, फिर क्या इसी समय 1236 में दिल्ली सल्तनत के बादशाह इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, जिसका फायदा उठाकर बागभट ने रणथंभौर दुर्ग उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। सामंतवादी देखते थे अपन एकता प्रणाली चलती थी है ना, ये जो लिखा हुआ ना इल्तुतमिश की मृत्यु इसके ऊपर लिख लो एकता प्रणाली, एकता एकता बराबर प्रांत, प्रांतीय प्रशासन एकता, ठीक है। तो मुगल काल में ये जैसे बन जाएगी जागीर, ठीक है, जिसको अपन जागीरदार बोलेंगे। तो ये एकता प्रणाली थी इल्तुतमिश ने शुरुआत करी थी, इसकी दिल्ली सल्तनत में एकता, और एकता क्या था एकता प्रांत को जैसे अपन बोलते थे, तो एकता प्रणाली का जो जनक है दिल्ली सल्तनत में वो कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ही है, इसलिए इल्तुतमिश को अपन वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का बोलते। तो एकता प्रणाली क्या थी, जैसे ये पूरा साम्राज्य जैसे अपन देखते हैं इल्तुतमिश का है, तो इसने क्या किया अपने प्रांतों को छोटे, आज भी जैसे अपन देखते हैं ना 29 राज्यों के अंदर भारत टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ है, वो बेहतर प्रशासन के लिए तोड़ रखा है, और क्यों ऐसे ही इल्तुतमिश ने अपने सभी प्रांतों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया ऐसे। तो जो छोटे छोटे टुकड़े थे ना इसको अपन बोलते थे एकता था, ये भी वही बाद में जैसे सामंतवाद के लक्षण इसके अंदर थे सारे, ठीक है। तो ये क्या करते थे छोटे छोटे ही टुकड़े, तो इनका एक जो प्रमुख होता था उसको इक्तदार बोलते थे। तो जैसे आएगा इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले या अलाउद्दीन सुल्तान बनने से पहले कड़ा इलाहाबाद का इक्तदार था, बदायूं का इक्तदार था, तो एकता बोलती है अपन को क्या समझा है छोटा एक भूमि का टुकड़ा उसका जो प्रशासनिक हेड होता था उसको अपन इक्तदार बोलते थे, समझे। तो ऐसे क्या किया ये जो जिधर अपन रणथंभौर वाला क्षेत्र देखते हैं, तो इल्तुतमिश ने ये पूरा जैसे राजपूताना एकता का जैसे पार्ट था तो वहां पे जो इक्तदार नियुक्त किया जैसे इल्तुतमिश ने किसको किया वल्लन अपन जैसे देखते हैं, और वल्लन के बाद जैसे आए जैसे आगे और तीन चार बार मतलब सीक्वेंस में, तो बागभट वहां इक्तदार के रूप में अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते, तो इक्तदार भी होते जाते, प्रशासन संभालते थे उस एरिया का, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और शांति व्यवस्था कायम रखते। तो जो दिल्ली सल्तनत में एकता था वही मुगलों के समय जागीर बन जाएगा, और वही आज स्वतंत्र भारत के अंदर अपन देखते हैं जिनको आज राज्य अपन बोलते हैं, ये वो राज्य राज्य टूटे हुए जिलों के अंदर, ओके। तो यू समझना है ना, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद फायदा उठाकर बागभट ने रणथंभौर के दुर्ग आसपास क्षेत्रों को अधिकार कर लिया। फिर क्या बागभट के बाद जेत्र सिंह या जय सिंह रणथंभौर का शासक बना। फिर आगे क्या, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमीरदेव, वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट शासक है। देखो क्या है जितनी भी अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो उसमें क्या हर डायनेस्टी के अंदर एक वेल नोन किंग आएगा, वेल नोन शासक आएगा जो क्लाइमेक्स रिप्रेजेंट बिल्कुल सर्वोत्कर्ष रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अपन ने जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन ने गुजर प्रतिहार पढ़ा तो नागभटदित्य अपन ने पढ़ा, कन्नौज को राजधानी बना लिया क्लाइमेक्स। फिर अपन अजमेर में आ गए तो विजयराज पढ़ा अपन ने, दिल्ली को जीत के मिला लिया 57, फिर पृथ्वीराज चौहान ने उसको आगे बढ़ाया। ऐसे अब जैसे रणथंभौर पढ़ रहे हैं तो इसमें क्लाइमेक्स आएगा हमीरदेव, ठीक है ना। फिर ये क्लाइमेक्स मैंने बताया चोटी का मतलब क्या होता है कि आपने गोल्डन पीरियड अब देख लिया, अब चालू क्या होगा उसके बाद, तो ये चोटी है हमीरदेव। ऐसे जैसे अपन मेवाड़ पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत का समकालीन आएगा वो रतन सिंह है, जालौर पढ़ेंगे वो कानड़ देव है, तो उसके बाद फिर पतन चालू, ऐसे
है ना, तो ये टॉप है हमीरदेव। देव सिंह ने ही अपने जीवन काल में सबसे सबसे योग्य अपने छोटे पुत्र हमीरदेव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर 1282 में हमीरदेव को राज्यारोहण उत्सव मनाया। ठीक है, 1282 ये डेट इंपॉर्टेंट है, अपन को याद रखनी है 1282 है ना, क्योंकि यहां से क्या होगा जैसे अपन देखें कि दिल्ली सल्तनत वहां समकालीन चल रही है, तो वहां पे जो भी डेवलपमेंट होंगे ना उससे यहां प्रभावित होंगे, शुरू से ही होगा प्रभावित। तो देखा नहीं अपन ने कुतुबुद्दीन देखा, गोविंद राज इल्तुतमिश देखा, वलन ऊपर देखो वलन अपन ने देखा इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश, फिर अपन देख रहे हैं हमीरदेव, तो यहाँ जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी आ जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि राजस्थान हिस्ट्री में जो भी है वो किस हिस्ट्री का पार्ट है, वो इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है इसलिए। ठीक है, हमीरदेव फिर क्या, हमीरदेव रणथंभौर के चौहान शासकों का कौन सा महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, तो देखा अपन ने ये क्लाइमेक्स है यहाँ इसका, इसके बारे में हमें नयन चंद्र सूरी याद रखो, नयन चंद्र सूरी कृत हमीर महाकाव्य, तो महाकाव्य आ गया ना काव्य, तो काव्य कवि सम्मेलन नयन ऐसे। और ये अगर फिर आगे देखने देखो जोधराज, तो जोधपुर रास आया किसको, हमीर को, जोधराज जोधराज रासो और हमीर। फिर एक है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कृत हमीर हट, तो देखो क्या है ना, ये चंद्रशेखर के ऊपर तो लिख लो प्रधानमंत्री हुए है कि नहीं, वेल नोन प्रधानमंत्री जैसे राजीव गांधी, वीपी सिंह, फिर वीपी सिंह के बाद ये चंद्रशेखर, तो अपनी हट से ही बने थे, ज्यादा समय तक रह नहीं रहे, वो गठबंधन सरकार का समय का जमाना था और अपने जीत से ये प्रधानमंत्री है ना, तो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री हट से, तो हट से क्या हो जाएगा हमीर, किसने लिखा चंद्रशेखर, ऐसे याद रखना। तो हमीर महाकाव्य आ जाए तो काव्य बोलते हैं नयन चंद्री, हमीर रासो आ जाए तो जोधराज, और अब आ गया हमीर हट, तो हट 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 का मतलब प्रधानमंत्री, हट का मतलब जैसे जीत, ये जीत पे यही है ना, अभी ऊपर पढ़ेंगे तिरिया तेल हमीर हट, तो ये अपनी मतलब जीत के लिए, मतलब वचनबद्धता के लिए जाने रखी, जो ठान लिया उसको अपन को करना, हट का मतलब ये है। तो चंद्रशेखर ने ठान लिया प्रधानमंत्री बनना ही है, उनको हट थी प्रधानमंत्री बनने की, तो बनी, हालांकि कोई ज्यादा लंबी सरकार नहीं चली, लेकिन अपनी गठबंधन सरकार का फायदा उठा के वो प्रधानमंत्री, ठीक है ना, हट प्रधानमंत्री। अब पूरी कहानी याद रह जाएगी आपको, हट चंद्रशेखर का हट और प्रधानमंत्री वो बने, हट मतलब जिद, हट के ऊपर लिख लो जिद है, हट से मतलब जिद, हटी जिसको बोलते ना, हटीला हट, दृढ़ निश्चय को तो दर्शाता है ना, चंद्रशेखर कृत हमीर हट व सुजन चरित्र, दोनों जी के चंद्रशेखर ऐसे अपन को देखो किताब, देखो हमीर की अपन बात करें किताबों की, तो सबसे पहले आ गया हमीर महाकाव्य, फिर आ गया हमीर रासो, और फिर आ गया हमीर हट। अब इनको क्या है, जैसे अपन साहित्य के अंदर लिस्ट के रूप में पढ़ेंगे ना, बहुत कलिष्ट हो जाएंगे, सेम टू सेम चल रहे हैं सारे अपने पृथ्वीराज वाले तीनों, बस हट नहीं है उसके अंदर, दो ही है। तो ऐसे अपन को एक एक ध्यान रखना, हमीर महाकाव्य नयन, हमीर रासो जोधराज, और हमीर हट बार बार जब इनका बार जैसे आपके सामने आए ना, तो अभी क्ल्यू को याद करने की कोशिश किया करो, जैसे आपने ये पढ़ा जैसे मान लो जोधराज हमीर रासो आया, तो उसका क्या क्लू था, क्योंकि क्लू से एक बार क्या अपन को थोड़ा थोड़ा याद रहने लग जाएगा ना, तो ये फिट होने लग जाएंगे दिमाग में यू, और छोटा सा ऊपर क्ल्यू लिख लिया करो बस, हमीर को रास आया जोधपुर, तो हमीर रास हो जाएगा जोधपुर जोधराज यू, क्योंकि साहित्य के अंदर जैसे आप देखो सबसे कलिष्ट जैसे जो आएगा ना साहित्य की लिस्ट में, ये यही पीरियड है, इसमें बाद वाले साहित्य ऑलमोस्ट कंपेरेटिवली कम भी है और उनके नाम भी इजी है और रिपीटेशन नहीं है नामों में, जैसे यहाँ है ना रिपीटेशन, हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, हमीर हट, हमीर हमीर ही तीन बार आ गया बस, वो बाद में जो पीछे है उसी से अपन को निकलेगा क्यों, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट नॉर्मल स्टूडेंट जैसे जो होता है इनको तनाव में पड़ता है और उस समय याद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो याद नहीं होते उस समय यू, ठीक है। फिर हमीरदेव के सिंहासन पर बैठते ही साम्राज्य का विस्तार करने के लिए दिग्विजय है, दिग्विजय का मतलब चारों दिशाओं को जीतना है ना, दिग में लिख लो, दिग का जैसे मतलब होता है आकाश, चारों दिशाएं, दिग बोलते ना अपन, दिग्विजय मतलब चारों दिशाओं को जीतना अपने को, ये है ना दिग, ये संधि हो रखा है, इसको अपन विच्छेद करेंगे तो ये दिक आएगा यू, दिक, दिक का मतलब होता है दिशाएं, आकाश, दिगंबर जैसे आएगा, दिक प्लस अंबर। हमीरदेव ने अपने जीवन काल में 17 युद्ध, अब देखो दिग्विजय की नीति थी कि नहीं थी, चारों दिशाओं में जीतेंगे तो युद्ध करोगे तभी तो जीतेंगे, ऐसे थोड़ी ना जीतोगे,
उसने 17 युद्ध लड़े जिसमें से वह 16 युद्धों में विजयी रहा, जबकि 17वें व अंतिम युद्ध में वह दिल्ली के सुल्तान कौन अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। ठीक है ना। अब अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो सुल्तान हुआ ना वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है कि नहीं, तो उससे भी युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध के अंदर हमीर देव जीता। वे 17 युद्ध लड़े ना, तो इतनी से कोई लेना देना नहीं कि आप सोचे गजनी ने 17 रेड की भारत पे तो वैसे प्रेरित होकर इसने भी 17 ही करी, मैच एक संयोग और कुछ भी नहीं, समझ रहा हूं। तो जलालुद्दीन खिलजी से भी युद्ध हुआ हमीर देव का, लेकिन अपन को पता है 17 में सिर्फ एक में ही हारा, अंतिम के अंदर हरा कि नहीं हरा। तो वो अंतिम जो लड़ा वो किससे लड़ा, अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके अलावा कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे नाम आए दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का, तो उन सब में विजय किसकी है, हमीर देव। तो ये फैक्ट है ना, इसको कॉन्सेप्ट जो छुपा हुआ उसको याद रखो, क्योंकि ये इसके क्वेश्चन आते हैं हमीर देव, क्योंकि गोल्डन पीरियड है ये किसका, रणथंभौर का। तो अलाउद्दीन खिलजी से हारा, बाकी सब में ये जीता है। अब अपन देखते हैं कैसे हमीर देव और दिल्ली सल्तनत, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री मेन में आता है बहुत ज्यादा। रणथंभौर पर हमीर देव का शासन था उसी समय दिल्ली सल्तनत पर 13 जून 1290। अभी अपन देख रहे हैं, अभी अपन ने तारीख देखी थी 1282, ऊपर लिख लो, अब लिखते जाओ ऐसे है ना, आगे पीछे की तारीख लिखा करो। 1282 में क्या देखा था अपन ने, कौन शासक बन गया, हमीर देव। ऐसे तो अपन देख रहे हैं 1290। अब 1290 में थोड़ा सा अगर इसको अपन 1190 कर दें तो अपन को पता चल जाएगा पृथ्वीराज चौहान और एक साल बाद पहला तराइन होने वाला है कि नहीं। तो ऐसे दिमाग में जो डेट्स होती है ना उनको थोड़ा आगे पीछे किया करो कि तराइन के 100 साल बाद क्या इतिहास था राजस्थान का। तो देख लो तराइन के 100 साल बाद अपन देख रहे हैं रणथंभौर, जो 100 साल पहले कोई अस्तित्व में नहीं था रणथंभौर, आज वो खिलजी साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। गोविंद राज की बात, मतलब गोविंद राज के जाने के 100 साल बाद का इतिहास देख लो अब आज क्या। तो थोड़ा सा दिमाग में खोल लोगे ना चीजें फिट होने लग जाएंगी। तो 1290 को जलालुद्दीन खिलजी, इसका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भी नाम आता है, दोनों एक ही नाम है जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज आप जलालुद्दीन खिलजी नाम रख लो बस, है ना। तुर्कों, जलालुद्दीन खिलजी तुर्कों का पतन करके वहां का शासक बना, मतलब क्या है रणथंभौर पर हमीर देव का शासन था उसी समय दिल्ली सल्तनत में 1290 को जलालुद्दीन खिलजी तुर्कों का पतन करके वहां का शासक बना, मतलब तुर्कों का कौन, मतलब तुर्कों का मतलब तुर्कों पर जैसे लिख लो अपने गुलाम वंश, है ना। दिल्ली सल्तनत में जैसे अपन देखते हैं ये आएंगे गुलाम वंश, फिर खुद खिलजी आएंगे, फिर सैयद आएंगे और फिर लोधी आएंगे, ठीक है। तो गुलाम जैसे जो थे वो तुर्क थे, हालांकि जैसे ये खिलजी भी जैसे तुर्क ही थे लेकिन ये तुर्कों के अलग थे, ये सेल्जुक तुर्क थे, मतलब तुर्क तो वो जो मेन कस्तुतुनिया के पठार से जैसे निकले, और सेल्जुक तुर्क वो थे वो जो कैस्पियन सागर के दक्षिण में जो एल्ब्रुस पर्वत अपन देखते ना ईरान में, वहां से खिलजी बिलोंग करते थे। तो ये थे तो तुर्क लेकिन सेल्जुक तुर्क थे। जलालुद्दीन खिलजी तुर्कों का पतन करके वहां पे लिख लो दिल्ली, ये खिलजी वंश खुजली नहीं है, खिलजी है, ठीक है। तो खिलजी वंश का जो प्रथम शासक हुआ वो जलालुद्दीन खिलजी, इसका उत्तराधिकारी आएगा कौन, अलाउद्दीन। फिर जब अपन तुगलक पढ़ेंगे ना तुगलक, उस तुगलक में जैसे वेल नोन शासक आएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऐसे। फिर सैयद पढ़ेंगे, फिर लोधी पढ़ेंगे, फिर लोधी में आ जाएगा इब्राहिम लोधी पानीपत प्रथम, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी तुर्कों का पतन करके वहां दिल्ली का शासक बना। जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर देव की बढ़ती हुई शक्ति को देखा तो 1291 में जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली से रणथंभौर की ओर रवाना हुआ, ठीक है। रवाना के ऊपर लिख लो 2 सप्ताह, 2 वीक्स, रवाना 2 वीक्स, 2 सप्ताह, मतलब अमीर खुसरो ने यह बताया है कि दिल्ली से रणथंभौर 2 सप्ताह की दूरी के ऊपर, जैसे घोड़ों पे उस समय सेना मार्च किया करती थी, तो हम दिल्ली से रणथंभौर पहुंचने में कितना समय लगता था उस समय, 2 सप्ताह, 14 डेज के लगभग, है ना, 14 दिन। तो ये जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी ने ये 2 वीक के अंदर, ब्रैकेट में अमीर खुसरो लिख लो अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के भी समय था लेकिन दरबारी कवि ये अलाउद्दीन खिलजी का। जलालुद्दीन ने चाइन या झाइन जिसे वर्तमान में छान कहते हैं, ये रणथंभौर के जस्ट बगल में छोटा सा गांव है करीबन 3 किलोमीटर पहले, ठीक है, छान कहते हैं पर अधिकार कर लिया। छाइन मतलब चाइन, छाइन और छान एक ही चीज है।
इस संघर्ष में हमीर देव का सेना नायक कौन? गुरुदास सैनी मारा गया। ये जितने भी सेनापति आ रहे हैं ना, इनको अपन को याद रखना है। क्यों सुनाता है? दोनों के, जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति भी और इधर भी, तो जलालुद्दीन खिलजी का आएंगे अभी। गुरुदास सैनी मारा गया, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी को जब सफलता नहीं मिली तो उसने घेरा उठाने का निर्णय लिया। देखो जलालुद्दीन खिलजी तो कहां तक ही पहुंचा? छाण तक ही पहुंचा, उसे आगे नहीं पहुंच पाया ना। तो इसलिए क्या किया? सफलता नहीं मिली, सफलता के ऊपर गोला लगा लो। अपन ने जैसे देखा ना, 17 युद्ध लड़े अमीर देव ने, लेकिन सिर्फ एक में हारा। तो जलालुद्दीन खिलजी से तो नहीं हारा था ना, वो किससे हार रहा था? अलाउद्दीन खिलजी से। तो जलालुद्दीन खिलजी को मजबूर किया, खदेड़ दिया कि तुम जाओ यहां से, क्योंकि रणथंभौर दुर्ग जीतना अपने आप में आसान नहीं था। एक पहाड़ी और उसके ऊपर, एक पहाड़ी पर स्थित था रणथंभौर, रण और थम उसके ऊपर था वो दुर्ग, तो ऊंचाई पे बैठे रहते थे और सेना नीचे से दुश्मन की आ रही है तो उसको आराम से टारगेट कर पाते थे रणथंभौर के सैनिक। ये था, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी को जब सफलता नहीं मिली तो उसने घेरा उठाने का निर्णय लिया, लेकिन उसके एक सलाहकार कौन? मलिक अहमद चाप ने घेरा नहीं उठाने की सलाह दी, लेकिन सुल्तान ने अपनी सेना को कहा कि, मतलब सेनापति ने तो बोला कि घेरा मत उठाओ, लेकिन सुल्तान जो था जलालुद्दीन खिलजी, वो इसलिए जान चुका था कि कोई समय, मतलब कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, अपन ज्यादा ऊर्जा और समय बर्बाद करें, अपन को अब यहां चलने में भलाइए यहां से। तो फिर भी अपनी हार को छुपाने के लिए सुल्तान ने क्या कहा कि ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूं, इसलिए मैं ज्यादा समय यहां बर्बाद नहीं करूंगा। समझ रहे हो ना? सेनापति ने तो कहा कि चलो चाप से घेरा नहीं उठाएं, मतलब ये झाड़ छाण के आसपास है ना। तो मलिक अहमद चाप ने तो बोला कि घेरा मत उठाओ सुल्तान, और अपन कोशिश करते हैं जीत लेंगे, लेकिन सुल्तान असलियत जान चुका था, दिल्ली को अपन ज्यादा देर खाली नहीं छोड़ सकते हैं, है कि नहीं? भतीजा भी अलाउद्दीन खिलजी इंतजार कर रहा है, इसकी हत्या करके बनेगा सुल्तान जलालुद्दीन की, ठीक। तो सुल्तान ने बोला आप चलने में भलाई है, तो अपनी कैसे हार को कैसे छुपाएं कि किला मेरे किसी काम का नहीं है, कि ऐसे 10 किले में मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं। तो अपनी हार छुपाने के लिए कुछ तो बोलेंगे अपन, जैसे अंगूर हाथ नहीं आते तो अंगूर कैसे होते हैं खट्टे, ये वो चीज है। ऐसे ही क्या है, जैसे अपन पढ़ेंगे मालदेव के साथ आएगा शेर ससुरी, तो वो अपनी हार छुपाने के लिए बोलेगा कि वह मुट्ठी भर बाजरे के लिए कि हिंदुस्तान की सल्तनत को खो देता, कि तुम लेने के आए थे या नागौर के अंदर, कि मैंने देखा कि हाँ ठीक है सेना के लिए रसद मिलेगी, लेकिन यहां तो मुट्ठी भर बाजरा होता थोड़ा सा ही, और जान बिल्कुल बच पाई उसकी, वो भी धोखे से ही बच पाई, और वो हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, मतलब मारा जाता। तो मैं गलती से आ गया था, मैंने सोचा कि बहुत कुछ मेरे को मिलेगा, लेकिन मेरे को तो मुट्ठी भर बाजरा मिला, किसी काम का नहीं है। तो अपनी हार छुपाने के लिए बोला कि नहीं बोला, ठीक है। तो इसमें अटैच करके लिख लो, अंगूर हाथ नहीं आए तो खट्टे, अंगूर हाथ नहीं आए तो क्या बोला जाता है कि वो अंगूर कैसे थे? खट्टे थे। तो ऐसे ही जब जलालुद्दीन खिलजी के हाथ नहीं लगा रणथंभौर का दुर्ग, तो उसने क्या बोला कि ऐसे 10 किले तो मैं मुसलमान की एक बाल के बराबर है ना। तो इस 10 के ऊपर याद रहना चाहिए, ये ऐसे 20 किले नहीं है, कैसे है? ऐसे 10 किले, जैसे अपने देखा था बांस कितने थे 4 और अंगूर कितने थे 24, सॉरी मान लो 4 बांस 24 गज और अष्ट अंगुल प्रमाण, ऐसे। तो ये जहां शब्द से आ जाए ना, तो उसको क्या होता है स्टूडेंट न्यू हल्के में ले लेता है, और स्टूडेंट को इतना याद आता था किले थे और बाल था, और एक बाल था, लेकिन किले कितने थे ये पता नहीं, तो एग्जाम में बना देता स्टेटमेंट। तो 10 किले, ठीक। फिर गए और ये कहकर वहां से घेरा हटा लिया। तो सलाह किसने दी थी वहां से घेरा हटाने की? कौन सेनापति था? मलिक अहमद चार। अंततः जलालुद्दीन खिलजी हमीर देव की मजबूत मोर्चाबंदी को नष्ट करने में अक्षम रहा, और अंततः 1291 में सुल्तान ने रणथंभौर दुर्ग का घेरा उठाकर दिल्ली की तरफ कूच किया। तो नहीं हरा पाया ना हमीर देव को, 17 युद्ध किया हमीर देव ने, सिर्फ एक में हारा वो अब आगे। तो इतने में जलालुद्दीन, और इसमें अपन क्या समझे कि जलालुद्दीन 2 सप्ताह की दूरी पर दिल्ली, और घेरा कहां डाला जलालुद्दीन खिलजी ने? चाइन, झाइन या छाण में। और जो हमीर देव का महत्वपूर्ण सेनापति, वो इस समय कौन? सैनी। कौन? गुरुदास सैनी, ये याद रखना। और देखो इसमें नीचे में लिखा हुआ, देखो उल्गू खां और नुसरत खां, ये देखो ये लिखा हुआ उल्गू खां और नुसरत खां, ये दोनों ही अल्लाह जलालुद्दीन खिलजी के सेनापति भी थे, ठीक है। लेकिन मेन जो जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति था ना, वो था मलिक अहमद चाह।
उलगू खां और नुसरत खां का जैसे नाम आता है ना मेन, ये नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। तो जहां तक जलाउद्दीन खिलजी की बात है ना, उसमें उलगू खां नुसरत खां को अपन को ज्यादा रिलेट नहीं करना है। ठीक, अमीर और जलाउद्दीन की जहां तक बात है तो अमीर का सेनापति कौन कौन मारा गया? गुरुदास सैनी। और जलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति, उसी सेनापति ने सलाह दी हटा लिया जाए घेरा, वो कौन? मलिक अहमद। कितना अपन को ध्यान, आओ अपन देखते हैं अमेरदेव और अलाउद्दीन खिलजी। ये जलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी है दिल्ली सल्तनत में। तो जलाउद्दीन के अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी ने विद्रोह मतलब बगावत का बिगुल बजा दिया था दिल्ली सल्तनत में। तो इसकी सूचना जब जलाउद्दीन खिलजी को मिली ना, तो जलाउद्दीन खिलजी ने बोला पहले दिल्ली के अपन सुल्तान बने रहे, दिल्ली के सुल्तान बने रहेंगे तो ऐसे तो बहुत सारे दुर्ग अपन जीत लेंगे, तो इसलिए यहां रणथंभौर में ज्यादा रुकने से कोई मतलब नहीं है। तो 10 किले एक बाल कहकर वहां से निकल गया और दिल्ली को कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी, समझ रहे हो? अलाउद्दीन खिलजी वहां का सुल्तान बन चुका था, तब तक वापस गया था और हत्या कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी ने जलाउद्दीन खिलजी की। यूं चाचा भतीजे थे, चलो देखेंगे। वो तो फिर क्या, 1200 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन गया है कि नहीं? अब ये पहला सुल्तान कौन था दिल्ली का, जैसे अपन ने जैसे देखा गुलामों के अंदर इल्तुतमिश, ऐसे कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी के कल्लोस में के शासक बनते ही चौहानों की इस नवोदित शक्ति, अलाउद्दीन के मतलब है ना, सही हो, अलाउद्दीन खिलजी शासक बनते ही चौहानों की इस नवोदित शक्ति कौन अमीरदेव रणथंभौर को सहन नहीं कर सका और अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत रणथंभौर को जीतने की योजना बनाई। जैसे दिग्विजय की नीति अमीर देव ने अपनाई थी ना, अलाउद्दीन खिलजी ने भी यही नीति अपना रखी थी, सिकंदर ए सानी। ठीक है, लिख लो इसमें अलाउद्दीन बराबर सिकंदर ए सानी, उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन बराबर सिकंदर ए सानी, सानी दिल्ली सल्तनत को रिप्रेजेंट करता है। तो सिकंदर, जैसे सिकंदर महान हुआ ना यूनान का, उसने सारे विश्व को जीतने का सपना था, ऐसे अलाउद्दीन का था सपना सारे विश्व को जीतने। ठीक है, सिकंदर सानी उपाधि थी अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो दोनों भिड़ेंगे कि नहीं भिड़ेंगे, एक मैदान में दो तलवार नहीं रह सकती। उधर हमीर देव दिग्विजय की नीति और इधर अलाउद्दीन खिलजी, कौन था सानी? सिकंदर। तो भिड़ना युद्ध अवश्य संभव ही था। साम्राज्य नीति के तहत रणथंभौर को जीतने की योजना बनाने लगा। उसी समय उसे दुर्ग पर आक्रमण करने का बहाना भी मिल गया। इधर हमीर अपनी शक्ति व साम्राज्य को बढ़ा रहा था तो उधर अलाउद्दीन खिलजी संपूर्ण भारत को अपने अधीन करने के लिए आतुर था, इसलिए दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 के अंत में उलगू खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाही सेना ने रणथंभौर के मार्ग की कुंजी कहलाने वाले जाइन पर आक्रमण, जलाउद्दीन खिलजी ने कहां डेरा डाला था, ये हुई था। तो की टू रणथंभौर, कुंजी मतलब कि यहां से अपन एंटर कर सकते हैं सेफली इसके अंदर। ठीक है, तो अब इसमें तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो 1299 रणथंभौर पर आक्रमण कब हुआ अलाउद्दीन खिलजी का, 1299 जीत लेगा अभी 1301 के अंदर, 1299। और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन? उल्लू खां और नुसरत खां। ये उल्लू नहीं है, क्या है? उलूक खां। ठीक है, उल्लू खां और नुसरत खां, तो उल्लू और नुसरत खां। ओके, एक चीज तो देखो ये ध्यान रखनी है अपने को। दूसरी देखो क्या ध्यान रखनी है, ऊपर एक लाइन आई थी, उसी समय उसे दुर्ग पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया, मतलब अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर के दुर्ग पर हमला करने का बहाना मिल गया, उसी समय आया ना ये। तो देखो क्या है, यहां एक चीज आप ध्यान रखो, यहां लिखा हुआ नहीं है उसको लिख लो, आप ऊपर लिखो 1200 उसी समय जो है ना उसमें यू डैश करके लिख लो ऊपर 1299 गुजरात विजय अलाउद्दीन की, अलाउद्दीन की गुजरात विजय। ठीक है, अलाउद्दीन की गुजरात विजय, अलाउद्दीन की गुजरात विजय, मोहम्मद शाह और ब्रैकेट में लिख लो बाड़मेर में, बाड़मेर ये बाड़मेर वाला यहां मत लिखो, उसको अपन जालोर में लिखेंगे। आप तो वैसे गुजरात विजय लिख लो, यहां पे गुजरात विजय वो केहूपुर जालोर के अंदर आ जाएगा, यहां आप सिर्फ इतना लिख लो 1299 गुजरात विजय। तो अब देखो क्या था कि अपन जैसे देखते हैं अभी जो रणथंभौर की अपन स्थिति देखी है कि 1299 के अंदर इससे पहले क्या गुजरात विजय अलाउद्दीन कर चुका है 1299 है ना, जैसे अपन अलाउद्दीन की जैसे विजय आएंगी
तो 1299 में गुजरात है, 1301 रणथंभौर है, 1303 चित्तौड़ है, 1311 जालौर है, ठीक है, ये आएगी अपन जब लास्ट तक पहुंचेंगे। तो क्या हुआ, जब रास्ता यही था महत्वपूर्ण गुजरात से होके, मतलब इधर रणथंभौर से होके, दक्षिण भारत में भी जाते थे तो इधर रणथंभौर से होके जाया जाता था, जैसे हज वगैरह अगर जाना होता तो भी ये रास्ता था, सिंध में जाना तो रणथंभौर होके, रणथंभौर के अपन लोकेशन देखे ना तो देखो इधर ये यूं कि मतलब इधर तो अपन जैसे चौहान देखते हैं ऊपर विद्रोही शासक, तो ये दक्षिण भारत में जाने का एक महत्वपूर्ण रास्ता यहाँ से हुआ करता, मतलब रणथंभौर भी उसी रास्ते पे हुआ, चित्तौड़ भी इसी रास्ते पे, तो रणथंभौर को भी इसीलिए जीता, चित्तौड़ को भी इसीलिए जीता तो गुजरात के रास्ते पे, है कि नहीं, तो ये महत्वपूर्ण स्टेशन ये हुआ करते थे। आज भी आप जैसे देखो अपनी ट्रेन यहाँ से गुजरती है कि नहीं गुजरती है, मतलब दक्षिण भारत में जो ट्रेन जाती है, जैसे भैंसला ने जैसे किया यहाँ पे एजिटेशन किया सावादुपर करौली में, क्यों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, दक्षिण भारत को जोड़ता उत्तर भारत से, ये सवाईमाधोपुर हुआ, इधर भरतपुर हुआ, यहीं से क्रॉस किया जा सकता है, मतलब यहाँ अपन विंध्याचल श्रेणी देख लेते ना, यहाँ से विंध्याचल श्रेणी आ जाएगी, तो अगर उत्तर भारत से अपन को दक्षिण भारत जाने तो ये ही महत्वपूर्ण रास्ता है कि अपन दक्षिण भारत में जा सकते हैं। फिर इधर जैसे एमपी वाले जो क्षेत्र आ जाए बुंदेलखंड आ जाता है यहाँ पे, तो पठारी क्षेत्र है, यहाँ से पार नहीं कर सकते कंपेरेटिवली, आज तो चलो ठीक है टनल से बनी हुई है उसमें पार नहीं किया जा सकता था, तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र पड़ जाता है सवाईमाधोपुर से भरतपुर के बीच का क्षेत्र। इधर अपन देखते हैं खानवा, खानवा कहाँ, ये खानवा यही आएगा इधर, ये खानवा यहाँ भरतपुर के अंदर ही, ये खानवा तो क्यों महत्वपूर्ण, पानीपत का सेकंड इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना ये खानवा था, एक तो सांगा के अंडर में था और दक्षिण भारत की तरफ रास्ता जाता था यहाँ से ही, इसलिए तो लोकेशन बड़ी महत्वपूर्ण है भाई। करनाल यहाँ तो तराइन करनाल में क्यों आई, क्योंकि दिल्ली को रास्ता आई इसमें यहाँ से करनाल से होकर पानीपत, फिर करनाल की जगह बाद में समय में ले लेगा पानीपत, ऐसे तो इनकी सामरिक स्थिति है, जैसे मैंने अभी बताया जो अपने गिरीश मेल का युद्ध होएगा वो ये यहाँ 1544 शेरशाह सूरी, तो सिंध में जाने का रास्ता है इधर दिल्ली सल्तनत से ही वैसे, तो उस रास्ते में पड़ता ही हुमायूं जो भागेगा ना दिल्ली सिंध के अंदर, जिसका पीछा पीछा करते शेरशाह सूरी आया था, तो ये इधर से निकले गया था सिंध में, तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सामरिक स्थिति है इन क्षेत्रों की, इसलिए इनको जीतना महत्वपूर्ण था। जैसे आएगा ना कि जैसे कि क्या, अब जैसे क्या 1299 में अलाउद्दीन खिलजी जाएगा गुजरात आक्रमण पे, ये गुजरात रहना इधर 1299 में, तो इसकी सेना होकर गुजरी थी यहाँ से रणथंभौर से, और फिर आज अपन बाढ़ में जालौर देखते हैं, छोटा सा जालौर इतना छोटा सा नहीं रहा हुआ भूतकाल के अंदर, ये था जालौर, और सेना इधर से भी मतलब आई तो इधर से और जा वापस इधर रही थी, जालौर से होकर निकली, तो जालौर के सुल्तान ने सहयोग नहीं किया था, तो 1311 में 10 साल बाद अलाउद्दीन का आक्रमण झेलना पड़ा उसको। तो 1299 में जो अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात आक्रमण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि क्या थी, सिकंदरे विश को जीतेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट बंदरगाह था, सूरत बन चुका था भृगुगत, सिंधु घाटी सभ्यता से ये सूरत तो चालू, तो यहाँ से व्यापार भी होता था सूरत से, तो जीतना जरूरी, रास्ता कहाँ से जाता है, रास्ता रणथंभौर से होकर गुजरता है, चित्तौड़ से होकर गुजरता है, रणथंभौर के बाद जो अगला नंबर है ना जो शिकार बनेगा अलाउद्दीन खिलजी का, वो रतन सिंह ये चित्तौड़ का शासक, वो पद्मनी सीसा यूं पद्मावत जो मूवी बनी ऐसे है ना, तो इनकी सामरिक स्थिति महत्वपूर्ण है, इसलिए ये मैप जानना अपन को जरूरी है। फिर जब भी गुजरात आक्रमण हुआ 1399 में, तो जालौर के शासक ने सहयोग नहीं किया था कानड़ देव ने, फिर वो शिकार बनेगा अगला यूं, तो 1301 चित्तौड़ रणथंभौर, 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़ और 1311 ये बाढ़ में, तो अब समझ में आ गया अपन को मैप बनाने का क्या मकसद था, ये मकसद था। ओके आओ, तो अलाउद्दीन खिलजी करेगा अपन ने, तो इसमें आगे 1299 है ना, तो उसी समय आक्रमण का बहाना मिलेगा, तो इसमें गुजरात विजय लिख लो आप, तो थोड़ा अलाउद्दीन खिलजी को और देंगे तो और समझ में आ जाएगा। चंद्रपुर दुर्ग आक्रमण फिर क्या हम, तो इसमें लाइन में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है 1299 में, उल्लू खां नुसरत खां ये दोनों सेनापति हैं अलाउद्दीन खिलजी के, और रणथंभौर दुर्ग का कुंजी कहलाने वाला कौन सा क्षेत्र था, जाइन या छाण एक ही चीज, हमीर देव उसी समय कुटजिन्य यज्ञ, इसमें लिख लो ये अश्वमेध यज्ञ का एक प्रोटोटाइप था, अश्वमेध यज्ञ को समाप्त कर मुनि व्रत धारण किए हुए था, है ना, मुनि व्रत का जैसे मतलब होता है ये मौन व्रत नहीं है, मुनि व्रत का मतलब जैसे मुनि का मतलब क्या होता है, मुनि जाना जाता है अपने शांत स्वभाव के लिए, कि कोई किसी पर गुस्सा नहीं करना, कोई आक्रमण नहीं करना, कोई हिंसा की बात नहीं करना, यह है मुनिव्रत। मुनिव्रत धारण किए हुए था हमीर देव ने अपने दो सैनिक अधिकारियों कौन, भीम सिंह और धर्म सिंह,
इम्पोर्टेंट है ना, भीम सिंह और धर्म सिंह को शत्रु का मुकाबला करने के लिए भेजा। दोनों ने तुर्कों की सेना को बुरी तरह पराजित किया। तुर्क वो खिलजी भी तुर्की थे, पूरा दिल्ली सल्तनत ही तुर्क माना जाता है, लेकिन ये अलग अलग वंशज हैं तुर्क, ठीक है। गुलाम अलग, ये खिलजी तुगलक जो थे वो भी तुर्क थे, सैयद जो थे वो भी तुर्क थे, बस लोदी जो थे ना वो अफगान थे, अफगानिस्तान से आए थे। तो तुर्कों की सेना को बुरी तरह पराजित किया इस युद्ध में भीम सिंह तो किसका सेनापति था? मुनिव्रत, जिसने धारण कर रखा था कौन? हमीरदेव। तो मुनि वो तो हिंसा करेगा नहीं, लड़ने जाएगा नहीं, तो हमीरदेव नहीं आया, लेकिन हमीरदेव का सेनापति कौन? भीम सिंह। ओके, और नुसरत का किसका सेनापति? अलाउद्दीन के, है ना। तो यही क्वेश्चन आता है कि हमीर के साथ जो युद्ध हुआ उसमें कौन सा सेनापति मारा गया अलाउद्दीन का, तो कौन सा है? नुसरत। ओके, उल्लू खा जिंदा है अभी। फिर शीघ्र ही अलाउद्दीन खिलजी ने हमीरदेव को संदेश भिजवाया कि वो उससे संधि करना चाहता है। हमीरदेव ने अपने दो सेनापति और कौन? रणमल एंड रतिपाल। तो ऊपर भीम सिंह और धर्म सिंह, अब रणमल और रतिपाल को संधि करने के लिए शाही शिविर में भेजा भिजवाया। सुल्तान ने रणमल और रतिपाल को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। मतलब सुल्तान कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। रणमल और रतिपाल को दुर्ग का लालच देकर कि तुम्हें दुर्ग का सेनापति महाराजा प्रमुख बना देंगे तो हमारी तरफ मिल जाओ, अलाउद्दीन खिलजी ने लालच दिया, ठीक है। फिर इन दोनों सेना नायकों का विश्वासघात करने के कारण दुर्ग के गुप्त मार्ग का पता चल गया। गुप्त मार्ग क्या होते, जैसे ये सुरंग वगैरह जैसे हर किले के अंदर बनी रहती थी कि जैसे कभी बिल्कुल प्राण घातक हमला हो जाए तो शाही सेना या शाही परिवार जो है इस सुरंग के रास्ते बाहर निकल जाए, ठीक है। दुर्ग का गुप्त मार्ग का पता के कारण दुर्ग के गुप्त मार्गो का पता तुर्कों को चला। इस गुप्त मार्ग से तुर्की सेना दुर्ग के अंदर पहुंच। तो विश्वासघात किसने किया? कौन सेनापति? मतलब हमीरदेव के सेनापति रणमल एंड रतिपाल, और जो जिन्होंने बहुत ही ज्यादा सहयोग किया अलाउद्दीन इसका अपने हमीरदेव का, वो सेनापति कौन थे? भीम सिंह और धर्म सिंह। तो मृत्यु किसकी हुई? भीम सिंह की, ऐसे जानना अपने को ना, भीम सिंह, धर्म सिंह और नुसरत खां और रणमल एंड रतिपाल। ये क्वेश्चन भी है किन सेना नायकों ने विश्वासघात किया था, है ना। देखो ये क्वेश्चन एक आपको मिलेगा, जैसे ये क्या है कि भीम सिंह और धर्म सिंह के विश्वासघात के कारण वह रणमल व रतिपाल के स्वामी भक्ति के कारण, है ना। रणथंभौर का इतिहास गौरव में है, तो उल्टा लिख गया क्या नहीं लिखा बताओ? भीम सिंह और धर्म सिंह का तो क्या है? स्वामी भक्ति है, और रणमल एंड रतिपाल की क्या है? विश्वासघात है। तो नाम याद के साथ साथ जो इनका स्वरूप है ना वो भी अपन को याद रखना है। देखो फैक्ट्स में तो कोई गलती नहीं करी, चारों फैक्ट अपने अपनी जगह सही है। भीम सिंह भी है, धर्म सिंह भी है, रणमल भी है, रतिपाल भी है, स्वामी भक्ति भी और विश्वासघात भी है, लेकिन स्वामी भक्ति और विश्वासघात को इंटरचेंज कर दिया है ना। और नाम यूं लगते हैं जैसे रणमल है नी, रण का मतलब युद्ध कौशल है कि नहीं, रण मतलब युद्ध भूमि और मल मतलब उसमें कौशल है, तो ये बहुत ही अच्छा युद्ध लड़ा होगा और हमीरदेव की मदद करी होगी, लेकिन नाम का बिल्कुल उल्टा काम है। जैसे बोलते हैं ना कि नाम तो नैन सुख और आंखों से ये वाली बात, ऐसे तो रणमल एंड रतिपाल विश्वासघात। हमीरदेव दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं समझकर आक्रमण करने का निश्चय किया। आक्रमण करने से पूर्व राजपूत स्त्री पे गोला लगाओ। स्त्रियों ने हमीरदेव की रानी कौन? रंग देवी, ठीक है, रंगा देवी नहीं है, रंग देवी है, और इंग्लिश में इसको कलर देवी नहीं कर देना अपने को, ये रंग देवी रहेगा, ठीक है ना। रंग देवी व उसकी पुत्र पद्मला के नेतृत्व में जौहर किया, ठीक है ना, जौहर पे गोला लगा दो। तो आप जैसे अपन जैसे रतन सिंह की वाइफ का नाम तो अपन जैसे मेन जानते हैं पद्मावत चित्तौड़, लेकिन हमीरदेव की वाइफ का नाम रंग, ये क्या है, एक बार सुमिलित में आ जाता है कि इन महारानियों को उनके वंश या राजघराने के हिसाब से जमाओ। तो जैसे पद्मनी आ जाएगी रणथंभौर, रणथंभौर चित्तौड़, रंग देवी आए तो कहां पे? रणथंभौर हमीरदेव, ठीक है ना। रंग देवी उसकी पुत्री के नेतृत्व में क्या हुआ? जौहर हुआ, है ना, ये सती नहीं है ये, ठीक है। तो देखो मैंने नीचे कहीं लिखा भी होगा, हाँ ये देखो इसके तीन लाइन देखो नीचे, सती बराबर एकल और जौहर बराबर सामूहिक स्त्री, ठीक है ना। यहाँ ये सती का संबंध भी स्त्री से ही है, तो एक स्त्री जैसे अपने आप को अपने मतलब स्वाभिमान की रक्षा के लिए अग्नि को समर्पित कर देती है, तो एकल एक होगी तो क्या है, वो सती है, और सामूहिक रूप से सभी हो जाए तो वो जौहर है स्त्रियों में, ठीक है। तो ये तो स्त्रियों में होता था अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, और पुरुषों में क्या होता था?
जैसे अपन ने पढ़ाई था त्रयन के युद्ध में कि पुरुषों का ये स्वाभिव्यक्ति क्या है कि अपन लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाए, ठीक है, पीठ दिखा के नहीं आएंगे और ना किसी की पीठ पे अपन हमला, तो उसको वो लोग बोलते थे केसरिया, है ना, कि केसरिया का मतलब होता है कि एक योद्धा की तरह वो मरता हुआ, योद्धा की तरह अपने प्राण वीरगति, प्राण नुसार गति वीरगति को प्राप्त। तो जोहर तो क्या है, अग्नि को समर्पित करना, और केसरिया क्या है कि लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त, ठीक है। तो जोहर और साका जब, जोहर और मतलब जोहर और केसरिया जब एक साथ हो जाता है ना, ये जोहर हो गया, केसरिया अपन समझ ही गए, तो जोहर और केसरिया जब एक साथ हो जाता है उसको अपन बोलते हैं क्या, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो अभी देखो तो क्या है, आक्रमण करने से पूर्व स्त्रियों ने तो रंग देवी और उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जोहर किया, राजस्थान के इतिहास में प्रथम जोहर 1301 यही है ना, 1299 तो आक्रमण किया है हमीर देव की किले पे, और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीत लिया। मतलब ये जोहर और केसरिया जिसको अपन सम्मिलित रूप से साका बोलते हैं, ये निशानी होती है कि जो दुर्ग का जो राजा है ना, जो वो अपनी हार मान चुका, अब कोई उम्मीद नहीं है युद्ध को कि अपन युद्ध को जीत पाए। तो स्वाभिमान के लिए स्त्रियां तो सामूहिक रूप से जोहर, और पुरुष वो केसरिया, मतलब दुर्ग के फाटक खोल देते और मारने मिटने की लड़ाई जो होगा अब देखा जाए, ठीक है। राजस्थान के इतिहास का प्रथम जोहर, जोहर है ये, सती नहीं है, बार बार मैं कह रहा हूं ना, कंफ्यूजन हो जाता है, सती लिख देते हैं तो गलत हो गया क्वेश्चन, वो सती एकल है, ये सामूहिक है। इसके बाद राजपूत सैनिकों पे गोला लगा लो को केसरिया वस्त्र धारण कर दुर्ग के फाटक, राजपूत सैनिकों ने कर दो, ने केसरिया वस्त्र धारण कर दुर्ग के फाटक खोल दिए। दुर्ग के फाटक खोलने का मतलब क्या होता था कि अब सामने से आमने सामने अपना दुश्मन की सेना से मुकाबला होएगा। फाटक खोल दिए, दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ जिसमें हमीर देव वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। तो 17 युद्ध लड़े, 16 जीते और एक में हारा और वीरगति को प्राप्त हुआ। कौन सा युद्ध? अलाउद्दीन खिलजी के साथ, वो भी किसकी विश्वासघात के कारण? रणमल एंड रतीपा, भीम सिंह एंड धर्म सिंह। तो भीम सिंह तो स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए मारा गया। रणथंभौर का साका, रणथंभौर का यह साका राजस्थान के इतिहास का पहला साका, और साका बराबर क्या होता है? जोहर प्लस केसरिया। जोहर के नीचे लिख लो स्त्री, और केसरिया के नीचे लिख लो सैनिक, पुरुष लिख लो, सैनिक में घर भी था उसमें, सेनाएं नहीं, महिलाएं नहीं हुआ करती थी सेना के अंदर। तो ऐसे स्त्री हो गई जोहर और पुरुष हो गए केसरिया। तो ये स्त्रियां जोहर कर दे और पुरुष केसरिया कर दे तो उसको अपन क्या बोलते हैं? साका, ठीक है। अब देखो जैसे क्या होता है, जैसे इसका एकमात्र उदाहरण है जिसको अपन जैसलमेर की हिस्ट्री में आएगा भी, ये भाटी वंश में, कि वहां क्या हुआ, केसरिया हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ, या यूं समझ लो कि जोहर हुआ केसरिया नहीं हुआ, कैसे भी आप समझ लो, तो उसको अपन बोलते हैं अर्ध साका, आधा साका, ठीक है ना। जैसे जोहर हो जाए केसरिया, जोहर मतलब स्त्रियों ने तो अपने आप समान की रक्षा के लिए अग्नि को समर्पित कर दिया लेकिन केसरिया नहीं हुआ, कि सैनिक नहीं गए, भाग गए, लड़ाई नहीं युद्ध, या केसरिया हुआ जोहर नहीं हुआ, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अर्ध साका। और पूरा साका कैसे? जोहर प्लस केसरिया, यू। तो इसको जेके से याद रख लो आप, जेके जम्मू एंड कश्मीर, याद रह जाएगा यू, साका एस, तो एस इज इक्वल टू जे प्लस के, जैसे जोहर, कैसे? केसरिया, इन दोनों का सम क्या है? एस है, क्या? एस। तो डैश करके लिख लो, जैसलमेर बराबर अर्ध साका, एक ही उदाहरण है पूरे राजस्थान हिस्ट्री में, बाटी वंश में आएगी अपन, जैसलमेर की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आएगा। तो जैसलमेर में अपन अर्ध साके का एक उदाहरण देखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिख लो इसमें जल जोहर, ये वैसे और आगे आएगा लेकिन यहां चलो बात आ गई तो लिख लो जल समाधि के रूप में। और जल जोहर का भी ये एकमात्र उदाहरण है, इसके बाद ज्यादातर जैसे आप जोहर देखेंगे वो सारे क्या है? अग्नि को समर्पित किया हुआ। लिख लो जल जोहर, देख लो और आगे और देख लेंगे, तीनों के जगह कंबाइंड लिखा हुआ है तालाब में। ओके, तो अभी तक अपन ने क्या देखा कि 17 युद्ध में से ये 17वां युद्ध था, लास्ट युद्ध था, और इसमें अमीर देव की पराजय हुई और जोहर और केसरिया वहां हुआ और इसको अपन साका बोला, पहला साका राजस्थान का, पहला ये जोहर, ठीक है ना, पहला केसरिया नहीं है, ये केसरिया इसलिए नहीं है क्योंकि अभी अपन इससे पहले तराइन का युद्ध देख चुके। तो तराइन के युद्ध में भी ये था कि भाई पृथ्वीराज चौहान की सेना आमने सामने लड़ी है, लेकिन उस समय जोहर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पहला जोहर का
हमीर दे रणथंभौर। 11 जुलाई 1301 को के दिन रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो गया। उसने यह दुर्ग अपने सेनापति कौन उल्लू खां को सौंप दिया। नुसरत खान को क्यों नहीं सौंपा? और किसने मारा, किसके साथ मारा था? यू भीम सिंह, देखा ना, भीम सिंह और उल्लू खां, जाहिन का, उसको जाहिन का युद्ध भी बोलते थे ऐसे। और जीता कब? अब जैसे ये क्रम में आएगा, क्रम में जताओ अलाउद्दीन की विजय को, तो 1299 गुजरात, 1301 रणथंभौर, यू तो 1301 के नीचे लिख लो 1299। अभी अपने पढ़ा था ना उचित कारण मिल चुका था, यू 1299 गुजरात, 1301 चित्तौड़, सॉरी रणथंभौर, और लिख लो 1303 चित्तौड़, यही लिखते जाओ, चारों एक जगह हो जाएंगी। देखो यह है ना, ये जो नीचे जंग है ना, यहां लिख लो ऐसे, इधर साइड में लिख लो, 1299 गुजरात है ना, 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़, और चित्तौड़ चित्तौड़ 1303 चित्तौड़ और 1311 जालो। तेरह सौ आठ जालो, 1311 बाढ़ में, 1311 बाढ़ में, हाँ सीवाना बिल्कुल, 1308 जालोर, रुको 1308 जालोर और 1311 सीवाना, सही माँ, मतलब ओके ओके एक मिनट रुको, 1308 सीवाना और 1311 जालोर, जालोर कानड़ देव, ये नीचे वाला है ना, ये चित्तौड़ के बाद यहाँ लिखे हुए, तो 99 गुजरात, 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़, 8 सिवाना बाड़मेर, लिख लो ब्रैकेट में सिवाना के ब्रैकेट में बाड़मेर, और 1311 जालो। यूं ये अलाउद्दीन की अपन और पढ़ेंगे, तो अलाउद्दीन की और भी, जैसे मालवा की विजय भी है उसके महत्वपूर्ण, और कालिंजर की विजय, तो वो तो अलाउद्दीन खिलजी में आ जाएंगे, तो राजस्थान के संदर्भ में अपन ने लिखे, तो उनके क्वेश्चन भी आएंगे 3-4, तो उसको देखना। क्या कहते मुझे बताओ? वो भी है बिल्कुल, और मेन कारण देखो, अन्य कारण आएंगे उसमें, एक कारण गुजरात विजय, साम्राज्यवादी नीति, और वो भी है जैसे मालवा का संघर्ष होने के कारण, क्योंकि इसमें वो अपने इसमें लिखा क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी मालवा और तीनों, वो मेन आएगा मेवाड़ के संदर्भ में, जैसे मेवाड़ पे जैसे जो आक्रमण होंगे ना, जैसे चित्तौड़ से जैसे आक्रमण करेगा 1301-1303 में चित्तौड़ जीतेगा, तो चित्तौड़ ज्यादा नजदीक है मालवा के, जैसे अपन देखेंगे ये चित्तौड़ है यहाँ, तो ये मालवा, ये पूरा ये मालवा, तो चित्तौड़ ने शरण दे रखी थी यहाँ, चित्तौड़ मतलब राणा रतन सिंह ने मालवा के साथ साथ, और मालवा का जो मतलब ये दिल्ली, तो तीन त्रिकोण बन गए थे शक्ति के, एक दिल्ली, एक चित्तौड़ और तीसरा ये मालवा, यू तो दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, मतलब अलाउद्दीन खिलजी का दुश्मन ये मालवा, और तो ये दोनों दोस्त बने हुए थे रतन सिंह और मालवा के साथ वहां है। रणथंभौर मतलब मालवा का इतना डायरेक्ट संबंध नहीं था रणथंभौर से, लेकिन मेवाड़ का हमेशा संबंध रहा, तो चित्तौड़ जैसे जो है ना, यही बाद में ये मेवाड़ का हिस्सा था हमेशा, ये पूरा मेवाड़ था वहां है। चलो है ना, तो अभी अपन ये देख लिया 1301 में रणथंभौर जीत के मिला लिया, इंपॉर्टेंट। फिर क्या, हमीर देव के विश्वासघाती सेना नायक कौन? रणमलैन रतिपाल है ना, जब भी ये रणमलैन रतिपाल आए ना, तो वो स्वामी भक्त वाले उनको हमेशा दिमाग में याद रखना, भीम सिंह एंड धर्म सिंह को अलाउद्दीन खिलजी के पास लाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने उनको दुर्ग देने की बजाय यह कहते हुए, जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सके, तो उसने तो उन उसके है ना, तो उनसे कर दो, उनसे भविष्य में स्वामी भक्ति की आशा कैसे की जा सकती है, दोनों को मरो, ठीक है। फिर क्या, रणथंभौर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, इसमें डैश करके लिख लो खजाइनुल फुतू है ना, ये अमीर खुसरो की ग्रंथ है, काफी सारे ग्रंथ है वैसे तो, ठीक है, लेकिन रणथंभौर विजय का जिसमें उल्लेख मिलता है, और अलाउद्दीन की अन्य और जैसे जो विजय है ना, जैसे अपन चित्तौड़ भी देखेंगे, गुजरात ऊपर पहले हो ही गया, फिर बाड़मेर छिवाड़ा जालोर ये सब अपन देखेंगे, तो इनका अमीर खुसरो की ग्रंथ है कौन सी, खजाइन उल फुतू, फुतू
खजाइनुल फुतुह, ये अमीर खुसरो की किताब का नाम है, उसमें इन सभी विजयों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो अब जैसे ये भी आ जाए कि रणथंभ, जैसे अपन जैसे देखेंगे कि जब हल्दीघाटी का युद्ध होएगा, है कि नहीं, तो उस समय अकबर का मेन जैसे दरबारी इतिहासकार कौन, अमीर खुसरो नहीं है, तो अमीर खुसरो वहां से आएगा, कौन, बदायूं, ये बिल्कुल, तो ये हल्दीघाटी के युद्ध में साथ रहेगा अकबर के 1576। ठीक है, अबुल फजल, खमनोर का युद्ध जिसने बोला हल्दीघाटी को युद्ध को, अबुल फजल भी उसमें, फजल अबुल फजल, ये अकबर के साथ रहेंगे हल्दीघाटी के युद्ध में। तो ऐसे क्या होता था, जैसे अपन ने कल भी जैसे देखा था कि गजनी के साथ कौन प्रमुख इतिहासकार भारत आया था, अल बरूनी, है, तो ये मुगल्स के मतलब मुस्लिम शासकों के अंदर ये ट्रेडिशन था कि जब भी कोई युद्ध होएगा, ऐसे कहीं अपन जाएंगे रेड करने, तो एक इतिहासकार वो अपने साथ रखते। वो क्या काम करता था, वो आंखों देखा हाल लिखता था किताब के अंदर कि क्या हुआ वाकई क्यों, जिससे कि आने वाले समय में जैसे जान पाए कोई हमारा जैसा और सेना आएगा रेड करेगा तो क्या उस एरिया की स्थिति। तो पूरा अमीर खुसरो ने गया साथ दिल्ली से पूरा साथ रणथंभौर में, तभी तो बोला कि 2 सप्ताह का समय लगता था, नहीं तो कैसे बताता। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल चीज लिखा करते थे, कैसे जानना अपने को, है ना। तो ये जो भी इतिहासकारों के जैसे वो नाम आए समकालीन, तो अपन को जानना है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन, रणथंभौर के, रणथंभौर पे भी ये रहेगा साथ, रणथंभौर पे था चित्तौड़गांव को देखा, वर्णन किया अमीर खुसरो ने। ठीक है, तो इसलिए जैसे अपन जैसे देखेंगे, जैसे पद्मावत वाली जैसे जो कहानी है ना चित्तौड़ में, ये मनगढ़ंत है। ठीक है, मनगढ़ंत जैसे वो तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है, जो दोनों की करीबन 300 साल बाद शेरशाह सूरी का दरबारी कवि था मलिक मोहम्मद जायसी, तो पद्मावत जिसने लिखा। अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो था कौन सेना नायक मतलब विद्वान अमीर खुसरो, उसने कहीं भी उस पद्मावत वाली कहानी का जिक्र नहीं किया। अगर सही होती वो बात तो अमीर खुसरो बिल्कुल साथ था, वो लिखता नहीं लिखता। और जो 300 साल बाद इतिहासकार आ रहा है मतलब शेरशाह सूरी का मलिक मोहम्मद जायसी, उसने लिखी हो तो पद्मावत वाली बात, और उसके अलावा किसी ने नहीं लिखी है, तो ये क्या पता चलता है कि ये बात क्या थी मनगढ़ंत। यूं तो इसलिए अमीर खुसरो को जानना है। रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो, खजानुल फुतुह किताब है। अमीर खुसरो ने रणथंभौर की विजय के बाद कहा था कि आज कुफ्र है, ये कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो कुफ्र में डैश करके नीचे लिख लो गैर इस्लाम, गैर इस्लामिक व्यक्ति। और इसके लिए देखो एक वर्ड भी आता है, कौन सा, नहीं धर्म गुरु नहीं, कुफ्र के लिए एक वर्ड है जो गैर इस्लामी, जैसे जो है ना देखो औरंगजेब का था वो टाइटल, दारुल हर्ब, है ना। औरंगजेब जैसे ना कि अपन पढ़ेंगे मेवाड़ के साथ जो भी इंद्र सिंह को अजीत सिंह के बाद जैसे जो मारवाड़ और औरंगजेब के बीच में संबंध रहे ना, तो मारवाड़ जब जीत लिया औरंगजेब ने, तो बोला गया कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदल दिया। या औरंगजेब की ये नीति थी कि जो गैर मुस्लिम वर्ल्ड है ना भारत के अंदर, जिसको बोलता था दारुल हर्ब, उसको बदलना किस में, दारुल इस्लाम। तो ये मुस्लिम शासकों की हमेशा से यही नीति रही है। ठीक है, तो वो बलात मतलब बलात जैसे हिंदुओं को मुस्लिम्स में कन्वर्ट किया, और इनको बोलते थे जिम्मी, जो हिंदू जनसंख्या थी ना उसको मुस्लिम वर्ल्ड में क्या बोला जाता, जिम्मी। और जिम्मी जो कर देते थे उसको बोलते थे जजिया, है ना। हिंदू कर देते थे जजिया, हिंदू जनसंख्या को बोलते थे जिम्मी, और जो ज्यादा नजदीक होते थे सल्तनत के तो उससे जजिया भी नहीं वसूलते थे, उनको क्या कन्वर्ट कर दिया जाता था, मुस्लिम। तो जितना भी अपने अलवर में मेवात वाला क्षेत्र देखते ना सारा, तो हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम, कायम खानी मुस्लिम बोलते हैं, है ना। तो कुफ्र का मतलब क्या है कि जैसे आज कुफ्र का गढ़ ढह गया, मतलब गैर इस्लामिक जो व्यक्ति थे, ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट कर दिए गए, आज से हिंदू धर्म का मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिए गए। आज कुफ्र का गढ़ रणथंभौर इस्लाम का घर हो गए। तो ये तो इसके मतलब आता है क्वेश्चन कि किस विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, किस विजय, रणथंभौर। किस विजय के लिए कहा गया कि या आक्रमण के लिए कहा गया कि 10 किले 1 मुसलमानों के 1 बाल बराबर, वो कौन सा था, इसे। तो
एक तो नहीं जीत पाया तो हार बचाने के लिए एक ने जीत लिया, ऐसे ध्यान रखना। फिर क्या, हमीर देव हट के लिए विश्व प्रसिद्ध था। हट मतलब कि अपनी जीत के लिए करना है। हमीर देव हट के लिए विश्व प्रसिद्ध हुआ, जिसने अपनी हट, ये एक हट जैसे इसकी क्या थी, ये भी कि अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को वापस नहीं लौटाना, चाहे उसके लिए उसे अपने पूरे परिवार की ही बलि क्यों ना देनी पड़े। तो जैसे जितने भी जैसे आसपास के जैसे विद्रोही शासक हुआ करते थे, चाहे वो जैसे बुंदेलखंड का हुआ, मालवा का हुआ, चित्तौड़ का हुआ, तो इनको ये शरण देते थे। तो यहाँ डैश करके लिख लो, मालवा अपने शरण है ना, अपने शरण मालवा। तो मतलब ये जैसे अपन जैसे देखते हैं ना कि राजपूत जैसे स्वामी भक्ति में कई चीजें आती है, भाई राजा का जैसे सम्मान करना, राजा का ये मानना था कि किसी को अपन ने शरण दी है तो उसके प्राणों की रक्षा करना, ये सब स्वामी भक्ति के सीन थे। ठीक है, को निभाया तो अपनी हट है ना। फिर क्या, हमीर देव के बारे में कहा जाता है कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूसरी बार। तो इसका कहने का मतलब सिंह सवन कि मतलब सिंह की सवारी, एक बार में अगर आप सिंह को कंट्रोल नहीं कर पाए ना तो दूसरी बार उसको कर ही नहीं सकते। फिर सतपुरुष वचन है कि जैसे पुरुष जैसे जो अपने वचन के लिए जाना जाता है, जो कह दिया वो करना मुकरना नहीं। कदली फलत मतलब, कदली मतलब एक फल होता है, तो वो एक बार ही जैसे अपने ऋतु के अंदर एक बार ही उसमें फल, एक ही बार में फल आएगा, दूसरी बार अपन उससे फल की अपेक्षा नहीं कर सकते। ऋतु फल जैसे जो होता है ये वो है कदली फलत एक बार। फिर तिरिया तेल, कहने का मतलब जैसे तेल जैसे एक बार पानी के ऊपर आ गया तो उसको अपन कभी भी नीचे नहीं ले जा सकते। तो जैसे तेल जाना जाता है अपनी हट के लिए कि मैं दबूंगा नीचे नहीं जाएंगे, तो वो हमेशा ऊपर ही तिरता रहता ही है। तिरिया तेल ऐसे हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, है ना। तो ये सारी चीजें ऐसे हैं जिनसे अपन एक ही बार अपेक्षा कर सकते हैं। ये तो क्या है, जैसे सिंह समन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी, ये वो चीज है। ठीक है, तो ये सब हट को जैसे अपने दर्शाते हैं, इस कारण से हमीर हट जाना, हमीर देव जाना जाता अपनी हट के लिए। फिर क्या, हमीर देव ने अपने पुत्र जेत सिंह के द्वारा के किए गए 32 वर्षों के शासनकाल की याद में रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी बनवाई। तो जैसे आप घुसते हैं ना अपन, तो पहले जो मेन चौक आता वही है, 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, जिसे न्याय की छतरी, यहाँ बैठ के यूं कहा जाता था कि दरबार लगता था, जैसे दीवाने आम दीवाने खास बने बाद में मुगल दरबार में, उसका प्रोटोटाइप। हमीर देव ने अपने पुत्र पद्मला के नाम पर पद्मला तालाब भी बना, पीछे बना हुआ दुर्ग के लिए। तो ये वही थी जिसने जोर किया था, आपने देखा कि नहीं। और इसी मतलब तालाब के प्रोटोटाइप, जिसे उसमें लिख लो जल समाधि पद्मला तालाब। हमीर देव के दरबार में बीजादित्य नामक कवि रहता था, जो उसे नहीं बीजादित्य। हमीर देव की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के चौहानों की शाखा समाप्त हो गई। समाप्त क्यों हो गई, कहा चला गया रणथंभौर, दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। लिख लो दिल्ली सल्तनत बराबर 1301 रणथंभौर। रणथंभौर है ना, 1303 चित्तौड़ है ही। तो जैसे अपने याद कैसे रखेंगे, जैसे 1303 चित्तौड़, तो चित्तौड़ में तीन आ रहा है, नहीं आ रहा, चित्तौड़ तीन आ रहा है ना, ये ऐसे रणथंभौर अपन ऐसे लिखना है रण, तो ये रण है ना, रह है, इसको यूं कर दो तो ये एक बन गया कि नहीं, ए रण यू लिखते हैं ना अपन, रण लिखते हैं तो इसको यूं जोड़ दो आप, तो एक बन गया कि नहीं, एक मतलब 1301 भाई, इकाई के अंक तो चेंज हो रहे हैं, 1 3 8 11 है कि नहीं। तो चित्तौड़ में तीन, ये तय है ना, चित्तौड़ तैसे तीन और तैसे चित्तौड़, मतलब तैसे चित्तौड़ और तैसे तीन, रणथंभौर में एक, ऐसे इससे पहले 1299 गुजरात, 1899 गुजरात, ऐसे है ना, ये इसके अंदर ये चीज है। तो यहां जो हमीर देव और जो अपने दिल्ली सल्तनत का संघर्ष देखा ना, दो के साथ जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी को हराया, ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी जीता, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने हराया। और जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जलालुद्दीन खिलजी के समय जो अपन को देखनी है हमीर देव के संबंध में, क्या क्या, एक तो 17 युद्ध, फिर जो सेनापति हैं दोनों के, जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति कौन, चाह मलिक अहमद शाह, और जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति कौन माना गया, गुरुदास
और ये चीज अपन अलाउद्दीन खिलजी में आ जाए तो जो स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, वो कौन? भीम एंड धर्म सिंह। और भाई भीम सिंह एंड धर्म सिंह ने अपना धर्म निभाया, जैसे धर्म सिंह धर्म और रणबल एंड अतिपाल, ये हो गए विश्वास में, ठीक है। और भीम इसमें भीम सिंह के साथ युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया? नुसरत। और ये उल्लू खां है ना, इसमें लाइन आ गई ना कि उल्लू खां को सेनापति बनाया था रणथंभौर के दुर्ग का, आ गई थी लाइन। हाँ ये आ गया ना, वह दुर्ग अपने सेनापति उल्लू खां को ही सौंप दिया। ये भी क्वेश्चन है कि किसको सेनापति बना के गया, ऐसे जैसे चित्तौड़ में भी जैसे अपने पुत्र को बना देगा वो खिजराबाद नाम हो जाएगा, खिजरका को बनाया था, जैसे यहाँ उल्लू खां को बनाया ना सेनापति, वहां चित्तौड़ जब जीत लेगा 1303 तो अलाउद्दीन खिलजी का अपना लड़का था खिजर खान, तो चित्तौड़ का नाम बदल के कर दिया था खिजराबाद, ऐसे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो ये ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट इसके अंदर चीजें हैं, ज्यादा इसको अपन को फैलाना नहीं, ठीक। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन डाले हुए उसमें ना रणथंभौर वाले क्वेश्चन, फिर एक बार क्वेश्चन को देखो और फिर जो भी डिस्कशन हो निकालो, एक बार क्वेश्चन निकालो। और एक बार रीडिंग लगाओ, गो थ्रू करो। तो ये जैसे रणथंभौर था, रणथंभौर के बाद कल अपन जैसे देखते हैं नाडोल सिरोही, मतलब जालोर नाडोल और सिरोही छोटे छोटे ही हैं।